आज पढ़ेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर पर आधारित प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले हिंदी में भी समझते हैं। चलिए, राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब लंब वृत्तीय बेलन। तो आज आपको पढ़ना है लंब वृत्तीय बेलन पर आधारित प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले प्रश्न को समझिए। और ये JSSC CGL, JSSC JEE एंड अदर एग्जाम के लिए है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विथ डायमीटर ऑफ बेस 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 80 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आयतन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आप याद नहीं किए हैं तो भी आप आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको समझना होगा। तो सबसे पहले बेलन कैसा होता है, सिलेंडर कैसा होता है, देखिए ऊपर में यहां पर एक सर्कल होता है, यहां पर भी एक सर्कल होता है, ठीक है। तो इसका बेस कैसा है, सर्कल है। अब मैं इसको मिटा लेता हूं, समझिएगा। तो सबसे पहले आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखना है, तो भी बराबर क्या होगा, मैंने क्या बोला कि इसका आधार कैसा था, सर्कल था, तो सर्कल का एरिया आप सबसे पहले लिखिए। तो पाई आर स्क्वायर होता है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन हम लोगों को वॉल्यूम निकालना है किसका, सिलेंडर का। तो सिलेंडर के ऊंचाई से गुना कर दीजिए, तो सिलेंडर का ऊंचाई हम एच मान लेते हैं, तो पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम हो गया किसका, सिलेंडर का। तो आपको क्या करना है, समझना है कि इसका बेस कैसा है, सर्कल है, तो सर्कल का एरिया निकाल के और सिलेंडर के ऊंचाई से गुना कर दीजिए तो वॉल्यूम निकल जाएगा। फटाफट आप कैलकुलेशन करिए, तो जनरली 22/7 लेंगे पाई का वैल्यू। और यहां पर समझिएगा, डायमीटर यहां पर देखिए दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना होगा, डायमीटर का आधा होता है, तो यहां पर रेडियस कितना लेंगे, 7 सेंटीमीटर, तो आप लिखिए 7 × 7, तो अच्छा होगा कैलकुलेशन करने में। और हाइट से गुना कर दीजिए, हाइट कितना दिया हुआ है, 80 सेंटीमीटर। फटाफट कैलकुलेशन करिए, आंसर आ जाएगा। तो 7 काट दिए, और 7 और 22 को सबसे पहले गुना करेंगे, तो 7 × 14 = 4, फिर से 7 × 14 = 1 = 15, और लास्ट में हम लोग 80 से गुना करेंगे, तो 80 से गुना कर लीजिए, तो 8 × 32 = 2, हाथ में 3 × 8 = 40, और 3 × 43 = 3, और हाथ में 4 × 8 = 8, और 4 कितना होगा, 12, और 10 बिठा देंगे, तो देखिए राइट आंसर आ गया। वेरी सिंपल था, तो आंसर आप मिला लीजिए, आंसर लिखा हुआ भी है और ए ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, दूसरा नंबर। दूसरा नंबर में आपसे क्या पूछा है, सबसे पहले प्रश्न को समझिएगा, पढ़ के समझिए। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विथ डायमीटर ऑफ बेस 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 80 सेंटीमीटर। यानी कि प्रश्न वही है, लेकिन इसमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया किसको बोलते हैं, उसको सबसे पहले आप समझिए। जैसे ये सिलेंडर है, समझने का प्रयास कीजिएगा, ये यहां पर सिलेंडर है, तो सिलेंडर में दो सर्कल है, एक ऊपर में है और एक नीचे में, तो दो सर्कल को छोड़ के बाकी जो एरिया है वो कर्व सरफेस एरिया है। यानी कि सिलेंडर यानी कि बेलन के इधर में साइड में जो एरिया है ना, उसका एरिया निकालना है सर्कल को छोड़ के। तब यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर समझिए, कर्व सरफेस एरिया निकालना है ना, मैं सिंपल में शॉर्टकट में लिख रहा हूं, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो अब यहां पर समझिएगा आपको क्या करना है, फॉर्मूला आप याद किए हैं तो अच्छा है, अगर याद नहीं किए हैं तो यहां पर स्टेप बाय स्टेप थोड़ा समझिए। तो जहां पर भी कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए कहा जाएगा वहां पर आपको क्या करना है, और इसका बेस कैसा है, सर्कल है ना, तो सर्कल है तो सर्कल का पेरीमीटर सबसे पहले लिखिए। तो सर्कल का परिधि यानी कि पेरीमीटर क्या होता है, 2πr होता है, लेकिन हम लोगों को कर्व एरिया निकालना है किसका, सिलेंडर का, तो सिलेंडर के ऊंचाई से आप गुना कर दीजिए, राइट है। अब यहां पर देखिए तो 2 हो गया, 22/7 पाई का वैल्यू लेंगे, और आर कितना है, तो आर कितना होगा, क्योंकि डायमीटर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आर यानी कि रेडियस कितना होगा, 7 हो जाएगा, तो यहां पर 7 लिखेंगे, और ऊंचाई 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फटाफट आप कैलकुलेशन कर लीजिए, सबसे पहले क्या करेंगे, 22 और 2 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 44, और फिर से 80 से आप गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 8 × 32 = 2, फिर से 8 × 32 और 3 कितना होगा, 35 हो जाएगा ना, तो यहां पर मैं 35 लिख लेता हूं, यहां पर 35 और लास्ट में 10, तो देखिए 35 20 कहां पर है, तो 35 20 सी ऑप्शन सही है। इसी तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को समझिएगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। तीसरा नंबर प्रश्न में आपसे क्या पूछा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विथ डायमीटर ऑफ बेस 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 80 सेंटीमीटर। सेम प्रश्न है, लेकिन यहां पर टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया किसको कहेंगे, अब यहां पर थोड़ा सा समझिएगा,
टोटल सरफेस एरिया। तो यहां पर सबसे पहले आप फिगर को समझिए, मैंने यहां पर एक सिलेंडर बना लिया, समझिएगा ये सिलेंडर है, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग क्या निकाले थे, कर्व सरफेस एरिया जो कि साइड का एरिया था, ऊपर का ये जो सर्कल है इसका एरिया छोड़ दिए थे और इसका एरिया छोड़ दिए थे, यानी कि दो सर्कल है दोनों एरिया को अगर छोड़ देंगे तो कर्व सरफेस एरिया होगा। अगर कर्व सरफेस एरिया में दोनों सर्कल का एरिया को जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, तब यहां पर समझिएगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, टोटल सरफेस, मिटा लेता हूं टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो 2 पाई आर एच होता है, तो 2 पाई आर एच हो गया। इसके बाद अब आपको क्या करना है, सिलेंडर में दो सर्कल होता है तो दोनों सर्कल का एरिया को आप जोड़ दीजिए। तो यहां पर देखिए जोड़ने पर क्या हो जाएगा, यानी कि सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और दो सर्कल है तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब इस तरीके से आप पार्ट बाय पार्ट करके बना सकते हैं। अगर आप फॉर्मूला याद करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, जैसे यहां पर देखिए 2 पाई आर यहां है, यहां पर भी 2 पाई आर है, तो आप कॉमन ले सकते हैं, देखिए समझिएगा। तो 2 पाई आर को मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, एच प्लस आर, समझिएगा यहां पर क्या है, डबल आर है, यहां पर देखिएगा डबल आर है। तो यही है फॉर्मूला, अगर ये फॉर्मूला याद है तो इस फॉर्मूला को फटाफट लिखिए और तुरंत वैल्यू रखिए, आंसर आ जाएगा। अब यहां पर समझिएगा, तो अब मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूं, 2 है 22/7 रखेंगे, आर कितना है 7 है और एच प्लस आर करेंगे, एच कितना है 80 है और 80 में 7 जोड़ेंगे तो 87 हो जाएगा, तो यहां पर गुणे में 87 लिखना होगा। अब मैं एक बार मिटा लेता हूं ताकि स्पेस मिल पाएगा। तो याद रखिएगा ये 7 और ये 7 कट गया, 22 गुने 2 और गुने 80 आ रहा है ना, 87 आ रहा है, 22 गुने 2 याद रखिएगा कितना है, तो 22 गुने 2 और गुने में 87 था, फटाफट कैलकुलेशन करिएगा। तो सबसे पहले देखिए आप किसको गुना करेंगे, देखिए सबसे पहले आप इसको गुना कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 44 और फिर से आप 87 को गुना कर दीजिएगा, तो 7 से 7 चौके 28 के 8 हो गया और 7 चौके 28 और 2 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब यहां पर फिर से 8 से तो 8 चौके 32 के 2 और 8 चौके 32 और 3 35 हो जाएगा ना, तो यहां पर मैंने 35 लिख लिया। अब इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा, यहां पर 2 और यहां पर फिर से 2 और यहां पर 5 3 8 हो जाएगा और यहां पर 3, यानी कि 38 22 38 22 कहां पर है, लेकिन 38 28 आ रहा है, 22 नहीं आया। एक बार फिर से आप 4 7 28 था ना, सबसे पहले यहां पर देखिए हम लोग 7 चौके 28 नहीं लिख के यहां पर हम लोग क्या लिख दिए, गलती लिखे थे ना, तो यहां पर 8 होगा तो यहां पर 8 हो जाएगा, बाकी सभी सही था। तो बिल्कुल सही आंसर आ चुका है, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर। 4 नंबर में आपसे क्या पूछा, सबसे पहले प्रश्न को समझिएगा, मैं प्रत्येक बार बोलता हूं कि सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझिए, प्रश्न अगर समझ में आया ही नहीं तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। अ होलो सिलेंडर मेड ऑफ वुड, लकड़ी का बना हुआ है, हैज थिकनेस 1 सेंटीमीटर व्हाइल इट्स एक्सटर्नल रेडियस 3 सेंटीमीटर, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 8 सेंटीमीटर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब यहां पर थोड़ा सा समझना होगा, तो यहां पर थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा में समझाऊंगा, समझिएगा। तो होलो बोल है ना, तो होलो है तो किस तरीके से होगा, यहां पर आप समझने का प्रयास करिए। देखिए इसका थिकनेस दिया हुआ है, इसका थिकनेस दिया हुआ है, होलो कहने का मतलब ये जो इधर में है ना अंदर में, ये खाली है, होलो है, ठीक है, खोखला है, और इसका बाहर में ये थिकनेस दिया हुआ है, मोटाई दिया हुआ है, और इसका वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे ये समझने का प्रयास करिए, और इसका आउटर एक्सटर्नल डायमीटर दिया हुआ है, कहने का मतलब है कि यहां से यहां तक दिया हुआ है डायमीटर, रेडियस दिया हुआ है, डायमीटर नहीं रेडियस दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको मालूम करना है कि अंदर का जो है सर्कल उसका रेडियस कितना है, आर कितना है, तो ये थिकनेस कितना है 1 सेंटीमीटर और यहां से लेकर यहां तक 3 सेंटीमीटर, अगर हम यहां से 1 सेंटीमीटर कम कर दें तो यहां से लेकर यहां तक कितना होगा 2 सेंटीमीटर। अब यहां पर आपको मालूम हो चुका है, याद रखिएगा क्या क्या मालूम हुआ है, आउटर रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर, और इनर रेडियस
इनर रेडियस कितना दिया हुआ है, अंदर का रेडियस कितना है, तो 2 सेंटीमीटर। ये आप याद रखिए। अब देखिए आप कितना आसान तरीके से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, इधर तो खाली जगह है, समझिएगा, इधर तो खाली जगह है, तो इसका एरिया आपको सबसे पहले निकालना है, इसका एरिया। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, यानी कि इसमें एक बड़ा सा सर्कल है और एक छोटा सा सर्कल है, यहां पर समझिएगा आप। तो बड़ा सा सर्कल है उसका एरिया निकालिए, उसमें घटा दीजिए छोटा सर्कल का एरिया, सबसे पहले ये काम आपको करना है। और इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा ताकि स्पेस थोड़ा मिल पाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि बड़ा जो एरिया है, बड़ा जो सर्कल है उसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर ना। तो यहां पर समझिए पाई, मैं बड़ा आर ले लेता हूं, पाई आर स्क्वायर, और छोटा सर्कल का एरिया माइनस कर दीजिए, तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, यही ना। अब ये एरिया किसका निकला, मैंने क्या बोला, ये जो जगह है इसी का एरिया निकालना था, बीच में तो खाली है, इसका एरिया निकाल दीजिए और सिलेंडर के हाइट से आप गुना कर दीजिए। तो सिलेंडर का हाइट कितना है, 80। अच्छा, ये तो दूसरा प्रश्न है ना, तो सिलेंडर का हाइट कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। तो 8 से आप इसमें गुना कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे इसको आप समझिए, सॉल्व करने के लिए भी समझना है। तो पाई को हम बाहर ले लेंगे, तो यहां पर हो जाएगा पाई, अंदर में क्या बच गया, बड़ा आर। अच्छा, अब इस तरीके से नहीं, देखिए इसको सॉल्व करना है तो आपको सॉल्व करते जाना है, सिर्फ लिखना नहीं है। पाई को बाहर करेंगे और पाई का वैल्यू हम 22/7 लिख लेंगे। अब अंदर में समझिए आर, ये आर कितना है, 3 सेंटीमीटर, और छोटा आर कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो यहां पर क्या है, आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तब इसको आप फॉर्मूला में लिख लीजिए, तो क्या होगा, ए प्लस बी होगा इंटू ए माइनस बी होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा, श्योर होगा। या आप डायरेक्ट आर स्क्वायर बड़ा स्क्वायर करते और छोटा आर स्क्वायर उसको माइनस भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, और गुने में 8 है, ठीक है। तो यहां पर देखिए अब फिर से 22/7, और यहां पर इसको जोड़ेंगे, 3 × 2 = 5 हो जाएगा, और यहां पर ये घट के तो 1 होगा, और लास्ट में 8 से आपको गुना कर देना है। अब यहां पर समझिए आंसर तो 2/7 है, तो सिर्फ ऊपर में गुना करिए, तो कैसे करेंगे, 22/5 = 8, समझिएगा, 22/8 = 5 था ना, 22/5 = 8 ऊपर में था, यही था, इसको गुना कर दीजिए। तो गुना कैसे करेंगे, देखिए 8 × 5 = 40 करिए, 22 × 40 और 2/7 फिर से कर दीजिए, तो 4 × 8, फिर से 4 × 8 और 1 0 और 2/7 आ गया ना आंसर। तो देख लीजिए 880 कहां पर है, यानी कि बी ऑप्शन सही है, वेरी सिंपल था ना, वेरी सिंपल था। तो इसी तरीके से आपको समझना होगा। अब चलते हैं इसका आंसर को चेक करते हुए, तो आंसर तो मिल गया है और आंसर लिखा हुआ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें क्या बोल रहा है, अ होलो सिलेंडर मेड ऑफ वुड हैज थिकनेस 1 सेंटीमीटर व्हाइल इट्स एक्सटर्नल रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। सबसे पहले अपने माइंड में फिगर बनाइए, होलो सिलेंडर बोला है, खोखला बेलन बोला है, तो सबसे पहले माइंड में फिगर बनाइए कि कैसा होगा। तो होलो सिलेंडर किसको बोलते हैं, पाइप को बोलते हैं, पाइप में अंदर खोखला होता है, तो अंदर में भी सरफेस है और बाहर में भी सरफेस है। तो आपको क्या करना है, अंदर का सरफेस निकाल के और बाहर का सरफेस निकाल के दोनों को जोड़ देना है। तो अब यहां पर थोड़ा सा ट्रिक में समझिएगा, मैंने क्या बोला कि अंदर का जो सरफेस है और बाहर का जो सरफेस है, दोनों का सरफेस एरिया निकालिए और जोड़ दीजिए। तो यहां पर ये फिगर बनाया हूं, ये तो सिलेंडर है नहीं, लेकिन ये सिलेंडर का टॉप का या बॉटम का ये फिगर है, समझिए। तो इसी तरीके से पाइप है, पाइप में अंदर खुला है, खोखला है ना, इस तरीके से, तो अंदर भी सर्कल दिखाई देगा और इसका थिकनेस है, तो बाहर तक भी एक बड़ा सा सर्कल दिखाई देगा, समझिए। तो एक्सटर्नल रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और इसका थिकनेस दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर कम कर देंगे, तो यहां से यहां तक कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब अंदर का रेडियस कितना है, 2 सेंटीमीटर। अब यहां पर समझिएगा, तो यहां पर डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं कर्व सरफेस एरिया, तो सबसे पहले आपको लिखना है बाहर का कर्व सरफेस एरिया, और ये कैसा है, पाइप है, समझे, होलो सिलेंडर है। तो सबसे पहले ये जो बड़ा आप सर्कल देख रहे हैं, तो उसका आप पेरीमीटर लिखिए, तो पेरीमीटर क्या होगा, 2πRh होगा। तो ये बाहर वाला जो सर्कल है ना, उसका पेरीमीटर लिखें, तो 12R होगा, और सिलेंडर का हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, तो
सिलेंडर के ऊंचाई से गुना कर देंगे, ये बाहर का कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा इससे। अब हम लोग को दोनों यानी कि अंदर और बाहर का दोनों का एरिया जोड़ देना है, तो अब यहाँ पर प्लस में हम लोग अंदर का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। तो अंदर में सर्कल कितना है, उसका रेडियस कितना है, तो यहाँ पर आप सबसे पहले पेरीमीटर लिखिए, तो 2πr, तो छोटा r और h तो वही है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो कॉमन है उसको बाहर करिए फटाफट, तो क्या होगा 2πh, 2πh कॉमन है बाहर कर दीजिए, और h यहाँ पर सॉरी r प्लस छोटा r रह गया। यही फॉर्मूला होता है होलो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का, यही फॉर्मूला है। अगर याद है तो आप इसको फटाफट लिखिए और पुट करिए और वैल्यू फाइंड कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए 2 रखेंगे, पाई का वैल्यू 22/7 रखेंगे, एच दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और इसको जोड़ेंगे तो आर कितना है, तो बड़ा आर है 3 और छोटा आर है 2, तो 3 × 2 = 5, इसी को आप कैलकुलेट करिए आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं गुना करूंगा किसको, 8 × 16 और 16 से 22 को गुना करेंगे, तो 16 × 32 के 2 हो गया, फिर से 16 × 32, 32 × 3 = 35 हो गया, तो यहाँ पर 352/7। अब यहाँ पर देखिए 5 से लास्ट में गुना करेंगे, तो 5 × 10 हो गया, 5 × 10 और 5 × 5 = 25, 5 × 10 हुआ, 10 × 0 और फिर से 5 × 5 = 25 और 1 × 26 = 6, हाथ में 2 है याद रखिएगा, और 5 × 15 और 2 कितना हो गया, 17 हो गया, और 7/2, ये राइट आंसर आ गया है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लीजिए। अब देखते हैं इसका आंसर मिला लेते हैं, तो यहां पर देख लीजिए आंसर कहां पर है, तो ए ऑप्शन सही है, आंसर मिल चुका है। अब चलते हैं 6 नंबर, 6 नंबर को समझिए, इससे पहले मैं इसको मिटा लेता हूं। 6 नंबर प्रश्न को सबसे पहले समझिए, इसमें क्या बोल रहा है, अ होलो सिलेंडर मेड ऑफ वुड हैज थिकनेस 1 सेंटीमीटर व्हाइल इट्स एक्सटर्नल रेडियस इज 3 सेंटीमीटर, इफ सेंटीमीटर यहां पर छूट गया है, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 8 सेंटीमीटर फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इससे पहले हम लोग कर्व सरफेस एरिया निकाले ना, लेकिन यहां पर बोला है टोटल सरफेस एरिया, तो इसमें आपको क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया तो निकालना ही होगा, जो कि मैं बता चुका हूं कर्व सरफेस एरिया क्या था, तो 1760 था ना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके अलावा इसमें आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है, यानी कि सिलेंडर के अंदर का सरफेस एरिया और बाहर का सरफेस एरिया दोनों को जोड़ दीजिएगा। इसके बाद जब आप सिलेंडर को यानी कि पाइप को देखेंगे ना, ऊपर से या नीचे से देखेंगे, तो ये थिकनेस दिखाई देगा, है ना, ये थिकनेस, और अंदर में तो खाली है, तो ये थिकनेस है ना, ये दोनों तरफ होगा, सिलेंडर है तो दोनों तरफ होगा, तो ये थिकनेस का एरिया निकालना है दोनों तरफ का। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 से गुना तो कर ही लीजिए, 2 से गुना कर लीजिए, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर समझते जाइए। तो सबसे पहले ये जो 12 सर्कल है ना, उसका एरिया आप निकालिए, तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई 2 नहीं लिखेंगे, पाई लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और ये अंदर का एरिया निकालिए और 12 वाला में से छोटा वाला एरिया को घटा दीजिए, तो ये थिकनेस मिलेगा ना, तो यहाँ पर समझिए यहाँ पर भी पाई आर स्क्वायर करेंगे, यही काम करना है, और 2 से गुना करेंगे, क्योंकि टॉप में भी है और बॉटम में, यानी कि दोनों तरफ इस तरह का है, तो यहाँ पर समझिएगा सबसे पहले क्या करेंगे, तो पाई को आप बाहर कर दीजिए, तो यहाँ से पाई बाहर कर दिए, तो आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर हो गया, तो 2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो 22/7 इसको लिखेंगे, और 12 आर कितना है, 3 है, 3 × 3 = 9 और ये 2 है, तो 2 × 2 = 4, यानी कि 9 में 4 घटाएंगे तो कितना होगा, 5 × 4 = 9, यानी कि 5 आ गया ना। अब फिर से एक बार मिला लीजिएगा, 3 × 3 = 9 और यहाँ पर 2 × 2 = 4, 9 में 4 घटा रहे हैं तो 5 आएगा, श्योर सही है। तो अब यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, 5 × 10 और 10 से इसको गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसी में तो जोड़ना है, कर्व सरफेस एरिया में दोनों तरफ ये जो दिखाई दे रहा है थिकनेस, दोनों तरफ का एरिया को निकाल के और इसमें जोड़ दीजिए, तो हम लोग जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 0/7, तो यहाँ पर मिला लेते हैं 0, तो यहाँ पर 0 है, इसके बाद 2 × 6 = 6, 6 × 2 = 8 हो जाएगा ना, इसके बाद फिर से 2 × 7 = 9 हो जाएगा, और लास्ट में 1, तो आ गया है राइट आंसर। देखिए यही काम करना था टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए, तो इसी तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है, आप इसको पूरा कैलकुलेशन करिएगा तभी समझ में आएगा, और समझने के बाद भी कैलकुलेशन करते रहना है, ताकि आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर कैसा सिचुएशन आ सकता है, हम कहाँ पर कैसे इसको कैलकुलेशन करेंगे। तो
1980 आया ना, 1980 राइट आंसर है। तो आंसर भी मिल चुका है, आज के लिए इतना ही।